हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। सो सीबीएसई वालों की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लॉकडाउन से वेट कर रहे थे अपने 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, जिनके एग्ज़ाम्स रह गए थे, होने बाकी थे, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कब उनकी डेट शीट आएगी। तो फाइनली अब सीबीएसई वालों ने उनकी टेंशन रिड्यूस करने के लिए डेट शीट निकाल दी है। बस उनकी अब ये टेंशन 15 जुलाई तक ही चलने वाली है, क्योंकि जो पेपर्स का दी एंड है वो 15th जुलाई 2020 को हो जाएगा। तो ये जो पेपर्स हैं ये 1st जुलाई 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं 10th के भी और 12th के भी, और एंड हो रहे हैं 15 जुलाई को। जो 10th की एग्ज़ाम शीट दी है सीबीएसई वालों ने, डेट शीट दी है, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही स्टूडेंट्स के लिए आई है। और जो 12th की डेट शीट है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है, प्लस ऑल इंडिया के लिए भी है। ठीक है, तो ये आप जैसे डेट शीट देख रहे हैं, तो 10th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो पहला एग्ज़ाम इनका वेडनेसडे 1st जुलाई को है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम थर्सडे 2nd जुलाई को है, देन फ्राइडे 10th जुलाई को है। बीच में काफ़ी गैप दे दिया है इन्होंने हिंदी के लिए, और फिर वेडनेसडे 15 जुलाई को इनका लास्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये डेट शीट अब दूसरे क्लास 12th की देख रहे हैं, तो इसमें 1st जुलाई वेडनेसडे से इनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं होम साइंस का, जो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे पास होम साइंस है उनके लिए 1st जुलाई को उनका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। थर्सडे 2nd जुलाई हिंदी का बच्चों का ऑल इंडिया एग्ज़ाम होगा। फ्राइडे 3rd जुलाई को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों का ही सिर्फ फिजिक्स का होगा। सैटरडे 4th जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के ही स्टूडेंट्स का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। मंडे 6 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के ही स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री में एग्ज़ाम है। इसी तरीके से थर्सडे को जो एग्ज़ाम होगा 7 जुलाई को, वो ऑल इंडिया है। इसी तरीके से पूरी डेट शीट है जो 15 जुलाई तक है, और जो 15 जुलाई का लास्ट पेपर है वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है। और अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे 13th जुलाई 2020। प्लस जिस तरीके से अभी प्रिकॉशंस अभी चल रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, बोला गया है कि आपको प्रिकॉशंस लेकर चलना है, उसी तरीके से सीबीएसई वालों ने ये भी गाइडलाइंस जारी करी है कि स्टूडेंट्स को वो भी हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, अपने लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, तीनों को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो अपेयर होंगे एग्जाम में, उनको हैंड सैनिटाइज़र लेकर चलना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट बॉटल में। वो भी ये डिटेल्स मैंने आपको यहाँ दी हुई हैं, जिसमें 1 to 12 सारे पॉइंट्स मेंशन हैं। ये आप देख सकते हैं 1 to 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स को मास्क भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है, और डिस्टेंस नॉर्म्स भी उनको लेकर चलने हैं। पेरेंट्स को भी गाइड करना है और प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि COVID-19 का स्प्रेड ना हो, ठीक है, और पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक, बच्चा बीमार नहीं हो। ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाई अपेयरिंग द इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली अधेयर टू बाय द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप क्लियरली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। जो डेट शीट और एडमिट कार्ड में ड्यूरेशन दिए वही फॉलो होगी, और एडमिट कार्ड आप टाइमली निकाल दीजिएगा ताकि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप लोग पहले से ही अपने माइंड में पढ़ लें, रख लें। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM के बीच में। 15 मिनट में आपको आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट आंसर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:50। आंसर शीट 10:15 तक डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपको 10:15 पर ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और 10:15 से 10:30 AM मतलब 15 मिनट का जो आपको गैप मिलेगा उसमें आप क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे, और 10:30 से आपका आप स्टार्ट करेंगे राइटिंग दी आंसर। तो आप देख रहे हैं 10 से 10:30 के बीच में आपको आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की आपको स्टडी करने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं, और 10:30 से आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। बस आपको अपने हेल्थ मेजर्स, हेल्थ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, नॉर्म्स जो भी गवर्नमेंट निकाल रही है हेल्थ रिलेटेड, COVID-19 से रिलेटेड, आपको फॉलो करने हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यस स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनली आप लोगों का जो वेट था आपके पेंडिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो अब ओवर हो गया है। अच्छे से करिएगा, एंड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।